नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों के उस समूह को लेकर आते हैं जिस पर पूरे दिन बिहार की सियासत और देश की राजनीति में चर्चा होती है। खास बातचीत करने के लिए बाबा है, विस्तार से उन खबरों को बताने के लिए बाबा से बातचीत करेंगे। आरसीपी सिंह जैसे ही जनता दल यूनाइटेड से बाहर हुए, लगातार एक के बाद एक चल रहे हैं, अपनी तरफ से लगातार हमले भी बोल रहे हैं और जो अब उनका प्लान था उसमें वो सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि सुबह मॉर्निंग वॉक के समय में थोड़ा ठंडा लग गया, सर्दी उर्दी हो गया है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कुछ गलती हो भी जाए बीच बीच में, अगर नाक पोछना शुरू करें तो माफ़ कर दीजिएगा। आपने बताया कि आरसीपी का प्लान सक्सेस, देखिए आरसीपी सिंह का जो मास्टर प्लान था वो था कि वो राजनीति में जिस कद से गए हैं वहीं पर पहुंचना, यानी कि जिस हैसियत से उन थे उस हैसियत से उनको पद से बाहर किया गया, वो हैसियत वो प्राप्त कर लें, इसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दिया था। और लगातार जो जनता दल यूनाइटेड, एक सबसे बड़ी बात इसमें थी कि कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार से अलग होंगे तो कई राज खुलेंगे। हम लोगों ने भी खबरें चलाई थी, कहा यह समझा यह जा रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार उनसे अलग कोई होता है तो उसकी बखिया उखेड़ना शुरू कर देते हैं। आरसीपी सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आरसीपी सिंह ने कुछ ऐसी बातें बताई जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन भीतर के राज को अगर बात करें, अगर राजनीति में एक दूसरे का राज खोला जाए, एक दूसरे की कमियां निकाली जाए, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले की राजनीति पर असर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की बखिया उखेड़ दी 2005 में, जैसे ही वो सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, उन्होंने जंगल राज से लेकर के और बहुत सारी बातें की, बहुत सारे ऐसे खुलासे किए। लेकिन अब जबकि आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह अपने राजनीतिक चाल से उनको कमजोर करने की और अपने राजनीतिक चाल में सक्सेस होने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि खुद जनता दल यूनाइटेड के भीतर भयंकर कहा जाए तो मैंने ज्वालामुखी पल रहा है, कभी भी विस्फोट कर सकता है। इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार की नीतियां और ललन सिंह का एक बार फिर से आ जाना। हालांकि ललन सिंह के समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में ये कहा जाए कि पूरी तरह से संवैधानिक सब कुछ होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष थोप दिया जाए, हालांकि सभी पार्टियों में लगभग होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह के बनने के बाद और इस चर्चा के साथ कि जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाएगा, हालांकि इस पर धीरे धीरे विराम लगता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से कुढ़नी के चुनाव में प्रदर्शन हुआ उसे देख करके लगता है कि बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध को अभी स्वीकार नहीं किया है, जिसका खुलासा जगदानंद सिंह ने भी कहा कि हमारा नया गठबंधन है, अभी जनता के पास हमें जाना है और हमें प्रमाणित भी करना है, जो कि संभव नहीं लगता है। यही कारण है कि आरसीपी सिंह जितना अधिक हो सके उतना फायदे में नजर आ रहे हैं। जितना अधिक डैमेज होगी जनता दल यूनाइटेड उतना ज़्यादा आरसीपी को फायदा होगा, क्योंकि लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं तो उस दौरा में आरसीपी सिंह को जदयू के नेताओं का ही समर्थन मिल रहा है और कई जदयू के नेता भारत लाइव पे आकर के अपना इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार हम लोगों ने किया है। वो स्पष्ट तरीके से एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे जदयू के, जो आज नहीं साथ में है। इसके साथ साथ जो मेन टीम में लोग हैं उनमें से भी कई लोगों की जो मन मिजाज है वो जदयू के साथ नहीं है, भले ही वो सर्वाइव कर रहे हों। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि आरसीपी सिंह जो प्लान बनाए थे वो सक्सेस होता है, लेकिन तेजस्वी यादव खेल समझ गए हैं पूरा। देखिए तेजस्वी यादव को खेल समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो जिस राजनीतिक गति से वो तेज भाग रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, वो उनसे छूट जाएगी। एक बार 2017 में उनसे छूट गई थी, क्योंकि 2015 में यही एग्रीमेंट हुआ था कि आने वाले 2019 के चुनाव में एकदम बिल्कुल इसी तरह डिट्टो हुआ था कि 2015 में हम साथ मिलकर के चुनाव, लालू प्रसाद ने दही का टीका लगाया था और डे वन से तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताने लगे थे, नीतीश कुमार ने भी कई बार बताया था। तो इसका सीधा मतलब था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार साझा उम्मीदवार होंगे और विपक्ष को एकजुट किया जाएगा, जो कि संभव
नहीं हो सका, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था। अब ऐसे स्थिति में एक बार फिर से बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से कुढ़नी के चुनाव में नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार का फिर से मन डोलने लगा है, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उठने लगी है। आपने एक दिन पहले कल ही देखा कि राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक जो हो रही थी, खुला अधिवेशन, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बहुत कैलकुलेटेड भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला किया है। हालांकि बाकी लोगों ने हमला ज़्यादा किया है, लेकिन उन्होंने अखबार की बात कही है, इसके साथ साथ कहा है कि बिहार को उसका हक नहीं दे रहे थे, इसके साथ साथ बोल रहे थे कि सामंजस्य नहीं बिठा रहे थे, लेकिन ये नहीं कहा जो और लोगों ने कहा, ये नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास जारी रखेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अब अलर्ट होने की जरूरत है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी का सामना करने से, उनके साथ किसी भी मीटिंग में शामिल होने से अपने आप को बचा रहे थे, उन्होंने 5 तारीख के बाद जब परिणाम आ गए, अब माफ कीजिएगा 8 तारीख के बाद जब परिणाम आ गए, तो उन्होंने भले ही वर्चुअल तरीके से लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरेक्ट जरूर किया। मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी, उस बैठक में शामिल हुए और यह लंबे समय के बाद हुआ था। और इसी तरह से धीरे धीरे नीतीश कुमार भाजपा के करीब जाते हैं। पहले भी आपको याद होगा कि NRC के मुद्दे पर, उसके अलावे और भी कई ऐसे मुद्दे थे, CRB था, इस सारे मुद्दों को लेकर के वो धीरे धीरे, नोटबंदी हुई थी जब वो महागठबंधन में थे तब उसकी उसका समर्थन किए थे, इन सारी चीज़ों को देख करके एक बनने लगा था कि नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। लेकिन इस बार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर हमला करने के लिए वो धीरे धीरे तैयारी अपनी कर रहे हैं, लेकिन इन सारी स्थितियों के बाद जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात थी उस पर विराम लग गया है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को अलर्ट रहने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अगर खेल समझ गए हैं तेजस्वी यादव तो शायद उनकी चुप्पी यही बात कह रही है। आगे बढ़ेंगे, चिराग पासवान और प्रिंस राज दोनों तो भाई हैं लेकिन काफ़ी वक्त से टकरार था, अब सुलह। देखिए, राजनीति में अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन कोई नहीं होता है। भाई तो बाद में है, वो पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर भाई होते तो ये संबंध ही बिगड़ नहीं बिगड़ता। और अगर भाई भाई का झगड़ा होता भी है तो अपने अपने हिस्से में लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं। लेकिन जब घर से किसी का झगड़ा होता है तो वैसी स्थिति में दोनों तैयार हो जाते हैं। अब स्थिति यह है कि दोनों को इस बात समझ में आ गई है कि 2024 के चुनाव में अगर वो साथ नहीं आते हैं तो दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अपने अपने अधिकारों को बचाने के लिए, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रिंस राज हों या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हों, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना जरूरी है। कुर्नी के परिणाम आने के बाद प्रिंस राज ने पहली बार एक लंबे समय के बाद धन्यवाद दिया है चिराग पासवान को और कहा है कि थैंक यू। तो इसका मतलब सीधा है, और इससे पहले कई बार वो कह भी चुके हैं कि चाचा भतीजा की बात है, चाचा से अगर माफ़ी मांग लें तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो दोनों के साथ हूँ। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सुलह होता हुआ नजर आ रहा है, और आगे जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो एक होकर के पुराने अपने सिंबल पर भी आ सकती है, अगर दोनों एक साथ आने का फैसला कर ले तो भारतीय जनता पार्टी भी सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखे। चलिए, इधर तो ये एकजुट हो जाएंगे, मांझी जी और साहनी जी भी एक साथ आएंगे। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है ना कुढ़नी वाली, वो बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे गई है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं, कई सवालों का जवाब दे दिया है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी दोनों क्या रास्ता अपनाते हैं, बार बार आप देख रहे होंगे एक थर्ड फ्रंट की चर्चा शुरू हो गई है। तो इनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। एक तरफ जहां महागठबंधन में वो हैं जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी को लाने की कोशिश हो रही है, मुकेश सहनी चाहते भी है कि महागठबंधन में आ जाए, लेकिन यहां इतना ज़्यादा भीड़ है कि उस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाने का डर है। आने वाले 2024 के चुनाव में प्रतिनिधित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, सीट शेयरिंग पर लेकर के जबरदस्त हंगामा होगा, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से अलग होने से अच्छा है कि उससे पहले कोई विकल्प बना लिया जाए। तो उस विकल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम उसकी चर्चा तो आगे करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी दोनों समान विचारधारा के लोग हैं और दोनों की स्थिति लगभग बिहार में वही है।
तो आप जानते हैं कि दो दुखिया, एक दुखिया दूसरे दुखिया का दोस्त हो जाता है, वही स्थिति नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या थर्ड फ्रंट कौन इनको अपनाता है और ये किसको समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देगा या फिर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर नहीं देगा, इसी स्थिति को भाप करके वो या तो एनडीए में जाएंगे या थर्ड फ्रंट में जाएंगे। लेकिन महागठबंधन में अब ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है और ये रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले ही आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ही अभी से शुरू हो गया है कि कौन कितने पानी में, तो बाकी के लोगों के लिए क्या स्थान है। कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग निकाल ही लिया है, आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है महागठबंधन से बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है। कुर्नी चुनाव में भी आपको नजर नहीं आया कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के चुनाव प्रचार किया हो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो कुर्नी के रिजल्ट के बाद अपने नए स्वरूप में आ गया है। चलिए, नए स्वरूप में आ गया है और तमाम खबरों को विस्तार से बाबा ने बताया और इन खबरों पे अब आने वाले वक्त में चर्चाएं होंगी, सियासत होंगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में मुझे और बाबा दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।